लोग सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट से हैं। सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट जो है संस्था दिव्यांग बच्चों के लिए देश भर में काम करती है और अभी हम लोग पूरे देश में 20 राज्यों में कार्यरत हैं और 80,000 दिव्यांग लोगों को सार्थक के माध्यम से रोजगार मिल गया है। 5,000 कंपनियों में उनका रोजगार मिला है। अभी आज हम लोग उड़ीसा में भुवनेश्वर में एक पहला सेंटर ITC के साथ मिलकर स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेंटर का उद्देश्य है कि जो उड़ीसा में दिव्यांग लोग हैं उनको रोजगार मिले और इस यहाँ पे हम लोग 3 महीने का ट्रेनिंग करेंगे। जो बच्चे मुख भगीर हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनका 3 महीने का ट्रेनिंग होगा। ये पूरा प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें उनको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का, जो बच्चे ब्लाइंड है उनको उसमें जॉब रोल में ट्रेनिंग मिलेगा। हियरिंग इम्पेयर्ड को हॉस्पिटैलिटी रिटेल सेक्टर के लिए, उसके बाद जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनको अक्रॉस द सेक्टर्स के लिए ट्रेनिंग मिलेगा। तो मेरा जो गांव में दिव्यांग बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनको यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को यहाँ एनरोल करवाइए सार्थक इस सेंटर से, भुवनेश्वर सेंटर से, और ताकि आपके बच्चों को भी ट्रेनिंग मिले और फिर वो रोजगार पा सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। हाँ, ट्रेनिंग के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो जो एज है वो 18 से 30, 18 to 30 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। 10th क्लास इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन और वो किसी भी डिसेबिलिटी का हो। और उसके बाद में कोई इस तरह का कोई फीस नहीं है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें वो बच्चे एनरोल कर सकते हैं। अभी अगर हम लोग पूरे देश की बात करें तो हमने करीब 20 लाख लोगों को आउटरीच कर चुके हैं, जिसमें से 80,000 लोगों को रोजगार मिल चुका है। और अब अगर हम लोग उड़ीसा की बात करें तो कल हमें 6,000 लोगों का एक डाटाबेस मिला सरकार से, उसमें से करीब 2,000 लोगों को हमने आउटरीच कर लिया है। करीब 50 से 60 बच्चे एनरोल हो गए। बट मेरा निवेदन सभी पेरेंट्स से और दिव्यांग बच्चों से रहेगा कि वो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में एनरोल करो ताकि आपको अपने भुवनेश्वर में या अपने गांव में ही रोजगार मिल जाए। विशेष करी सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट ओडिशा रे ऑल भारत रे 25टा सेंटर अछि। वर्तमान 25तम सेंटर भुवनेश्वर रे ओपन हो जाइछि, जोटे कि 60 पिला ऑलरेडी एनरोल हो सारे। एटि आम विशेष करी 5टा सेक्टर रे ट्रेनिंग दउछु, ITIES जोधे कि कस्टमर सर्विस, CRM डोमेस्टिक भयस नन भयस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ता सहित हॉस्पिटैलिटी सेक्टर रे मध्य आमे ट्रेनिंग दउछु, ता सहित आमर ई-कॉमर्स एवं डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्र रे मध्य आमे ट्रेनिंग दउछु। ट्रेनिंग दे सारा पर आमर 100% सेमानकु जॉब रहउछि भुवनेश्वर भितरे एवं भुवनेश्वर बाहर, जोधे कि 18 to 35 वर्षर समस्त पिला माने ट्रेनिंग नै पारिबे। ट्रेनिंग नेला पर 100% सेमाने चाकरी करि पारिबे। चैलेंज माने किछि सेमिति किछि चैलेंज रहउनि। बहुत पिला निडी अछन्ती, सेमाने निज आडु अप्रोच करिकि आमु कहउछन्ती आमुकु जॉब दरकार, आमुकु ट्रेनिंग दरकार। त सेमिति किछि आमुकु चैलेंजेस आसुनि, त आमे सेमानकु भी काम करि निजकु बहुत भाग्यवान मन करछु। सेमानकु आमे किछि रोजगार क्षम करिपारछु, आमुकु जो सेल्फ सैटिस्फैक्शन बहुत लागुछि एही कार्यक्रम द्वारा। निजकु बहुत खुशी अनुभव करबा सहित निजकु गौरवान्वित मन करुछि। आज एक भिन्न कार्यक्रम में निजकु योगदान करी आज सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट तरफ भुवनेश्वर रे एक दिव्यांग भाई भौनी मानंकु प्रशिक्षण दे नियुक्ति दबा पाई एक सेंटर रो उद्घाटन करा गला। एवं एठी विभिन्न अंचल रु आज एठी के आछंती दिव्यांग भाई भौनी माने आछंती बहु संख्या रे आसी योग देछंती। डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल जे निजे दृष्टि हरैछंती, तांकर दृढ़ इच्छाशक्ति आत्मविश्वास बल रे से आज तांकट सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट आज 16 वर्ष भितरे 20 राज्य रे पाखापाखि 25 सेंटर करिछंती। 80,000 दिव्यांग भाई भौनी मानंकु विभिन्न सेक्टर रे एम्प्लॉयमेंट देइछंती, से रिटेल सेक्टर हो, हॉस्पिटैलिटी हो, एवं हेल्थ केयर हो, विभिन्न सेक्टर रे एम्प्लॉयमेंट देइछंती। सेतिपई तांकु साधुवाद जणौछि, तांकु धन्यवाद जणौछि। जते धन्यवाद देले भी तांकु कम हबो। एवं ITC रो सहभागिता रे ये सेंटर खोला जाइछि। सबुठु बड़ कथा हला आम सरकार मध्य सबुबेले चेष्टित किभली भावे सबु वर्गर लोकंर विकास हम दिव्यांग भाई भौनी मानंक पई मध्य अनेक योजना करिसेंती। तांको पई स्वतंत्र स्कूल प्रतिष्ठा करा जाइछि, महिला मानंक पई हॉस्टल रो मध्य दिव्यांग महिला मानंक पई हॉस्टल रो मध्य व्यवस्था करा जाइछि। ता सहित बनिश्री योजना हो, स्कूल रे ट्यूशन फी छाड़ हो, स्कॉलरशिप रो योजना, विभिन्न योजना मध्य दिव्यांग भाई भौनी मानंक पई सरकार मध्य करचेंती। आमर जे
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସବକା ପ୍ରୟାସର ସରକାର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ସାର୍ଥକ ଏଜୁକେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କଥା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଠି ରହିବା ଦରକାର ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗର୍ବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଏବଂ ଇଏ ସେଣ୍ଟର କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଯୋଡ଼ିବ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିବ ଏବଂ ମୁଁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ସାର୍ଥକ ଏଜୁକେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଯିଏ ଫାଉଣ୍ଡର ଆମର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରୱାଲ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରୱାଲ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୋଡ଼ିବା ତାଙ୍କୁ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦରକାର ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।